ईरान बेशक इसराइल के हमले को नकार रहा हो और कह रहा हो कि इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन बीबीसी के हवाले से आई एक रिपोर्ट बताती है कि शुक्रवार को अल सुबह इस्फहान में जो इसराइल की तरफ से हमला हुआ उसमें ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। बीबीसी ने इसके लिए सैटेलाइट इमेज का हवाला देकर एक रिपोर्ट छापी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्फहान एयरबेस पर मिसाइल से जो हमला हुआ उसके पहले और उसके बाद के जो सैटेलाइट इमेज हैं वो देखने पर अंतर साफ नजर आता है। दोनों तस्वीरों को मिलाने पर अंतर जो है वो साफ नजर आता है। हमले के बाद के इमेज में टूट फूट के निशान जो हैं वो देखे जाने की बात कही गई इस रिपोर्ट में। उमरा स्पेस द्वारा 15 अप्रैल को जो इमेज लिया गया था उसमें शिकारी एयरबेस के उत्तर पश्चिमी कोने में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नजर आ रहा है। इसमें रडार लगी कई गाड़ियां और मिसाइल लॉन्चर समेत कई सैन्य उपकरण जो हैं वो दिख रहे हैं। उमरा स्पेस द्वारा ही जो इमेज शुक्रवार के हमले के बाद लिया गया है उसमें एक खास चीज के आसपास जो है वो मलबा नजर आ रहा है जो कि एक रडार हो सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसकी जो पोजीशन है वो भी बदली हुई बताई गई है। बाकी दूसरी गाड़ियां जो पहली तस्वीर में नजर आती थी, इमेज में नजर आ रही थी, वो दूसरी इमेज में नजर नहीं आ रही। मतलब हमले के बाद उन गाड़ियों को वहां से हटा लिया गया, कहीं और ले जाया गया। रडार सिस्टम को जो नुकसान पहुंचने की बात की जो तस्दीक है वो प्लैनेट द्वारा ली गई इमेज से भी होती है। इसमें इसी जगह पर जलने के निशान भी पाए गए हैं जो कि हमले के बाद धमाके की वजह से हुआ माना जा रहा है। 15 अप्रैल की जो तस्वीर है उसमें ऐसा कोई निशान नहीं दिखा, जलने जैसा या टूट फूट जैसी कोई जो निशान है वो उसमें नजर नहीं आ रहा। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस्फहान मिलिट्री एयर बेस को नुकसान जैसा कोई सबूत जो है वो सैटेलाइट इमेजरी के जरिए नजर नहीं आ रहा। इस्फहान में ईरान का बहुत ही अहम सैन्य अड्डा है, ये ईरान के बीचों बीच स्थित है। यहां पर नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है जहां से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चलता है। ईरान पर हमले की कोई पुष्टि इसराइल ने अपनी तरफ से नहीं की है। ईरान ने भी इस हमले को डाउनप्ले करने की पूरी कोशिश की है। ईरान के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि हमले में मिसाइल नहीं बल्कि कुछ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, 3 ड्रोन की बात जो है वो की जा रही है। और ये भी कहा गया विदेश मंत्री की तरफ से कि जो इसराइल के जो हथियार हैं वो ईरान में बच्चों के खेलने के खिलौने जैसे हैं वो, और जो भी चीजें आई सबको मार गिराया गया। और जो धमाके सुने गए ईरान में उसको लेकर कहा गया कि एयर डिफेंस सिस्टम से जब फायर किया गया उसके जो धमाके हैं वो थे। 13 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पर 330 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स द्वारा दागकर हमला किया था। हालांकि इसराइल ने भी 99 फीसदी प्रोजेक्टाइल्स को नष्ट करने का दावा किया। नेवतिम एयरबेस पर जरूर मिसाइल या ड्रोन गिरा जिससे वहां पर मामूली नुकसान पहुंचा और एक बच्ची भी इसकी जद में आ गई। ईरान ने ये जो हमला है वो 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में अपने कॉन्सुलेट पर हुए हमले के जवाब में किया था जिसमें उसके एक बड़े कमांडर समेत 7 ईरानियों की मौत हुई थी। ईरान के हमले के बाद इसराइल ने अघोषित तौर पर उसका बदला लिया। 13 अप्रैल का जो हमला ईरान ने किया था उसका जो बदला है इस्फहान पर हमला करके शुक्रवार को इसराइल ने उसका बदला लिया। ईरान ने इसे डाउनप्ले किया तो माना गया कि दोनों ही देश जो है वो अपने तनाव को पूर्ण युद्ध में नहीं बदलना चाहते, इसलिए S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को पहुंचे नुकसान के बाद भी ईरान जो है वो चुप है।